असलम आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया जिशान नाजरीन ईद के बाद मुल्क में पैदा होती अगर सियासी सूरत हाल की बात करें तो वज़र अजम नवाज शरीफ सेहत याब होकर जल्द वतन लौटने वाले हैं एक जानब उनकी जो जमात है वो उनके इस्तबाल की तैयारियाँ कर रही है तो दूसरी जानब इमरान ख़ान उन्हें जेल भेजने के ख्वाहिशमंद है जी हाँ खान साहब ये कहते हैं कि टी आर्स मामले पर कुछ ना हुआ तो ईद के बाद तहरीक चलाएँगे और हुक्मरानों को जेल भिजवाने तक चैन से नहीं बैठेंगे तहरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी तहरीक वज़ी अजम की नाहली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर चुके हैं जैसे पानामा लीक्स पर अदालती कमीशन का बनाने का जो मामला है अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है और लगता यही है कि अपोजिशन जमतें इस मसले पर एहत करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखती नज़र आती हैं अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक तकरीबन हर मामले पर ही साथ चल रहे हैं हो सकता है कि एहतजाज के लिए भी इमरान खान और बिलावल भुट्टो एक ही कंटेनर पर दिखाई दें दूसरी जानब हुक्मरान जमात अपने नाराज कारकुनों को मनाकर एक चैलेंज से तो निमट चुकी लेकिन मुल्क में इंतबात से कबल ही इंतबात की फ़जा बनने जा रही है आखिर हुकूमत इससे कैसे निपटेगी जो अपोजीशन के एहत के नतीजे में वजूद में आएगी याद रहे कि वतन वापसी पर वज़ी अजम को सेहत के अलावा भी कई चैलेंजेस का सामना होगा जिन में मुल्क के गंभीर सिक्योरिटी मिसाइल हैं खारजा अमूर और मुशी मसाइल शामिल हैं ऐसे में क्या वो अपोजीशन के एहतजाज से मौसर अंदाज़ में निमट पाएंगे? क्या पनामा लीग से वो अपने खानदान का नाम क्लियर करवा पाएंगे और सबसे अहम सवाल कि क्या तीसरी बार वजीर अज़म बनने वाले मियाम मोहम्मद नवाज शरीफ पहली बार अपनी मुदत अकतदार मुकमल कर पाएंगे इस पर आज हम बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे कि दाइश ने इराक़ और शाम के इलाकों पर मुश्तमिल अपनी खिलाफत कायम करके करके अपनी कार्रवाइयाँ जनूबी एशियाई तक अब फैला दी हैं जिसकी हालिया मिसाल बांग्लादेश के सफारती इलाके में होने वाला हमला है जिसमें बीस अफराद मारे गए हैं याद रहे कि अफगानिस्तान में दाइश की तंजीम पहले ही तालिबान और अलकायदा के खिलाफ नबुर्द आजमा है और वहाँ के सरहदी सूबों कुंटर और नूरिस्तान में अपना असर रसूख कायम करने की कोशिशें भी की जा रही हैं दाइश की पाकिस्तान में मौजूदगी की बात करें तो गुजशत साल सानह सफूरा की हौलनाक कार्रवाई के मुजरिम दाइश की, की तलिम से ही मुतासर हुए थे और अबू बगदादी के हाथ पर बैत लेने के ख्वाहिशमंद तुर्की के एयरपोर्ट पर होने वाले हालिया खूनी हमले की जिम्मेदारी भी दाइश ने कबूल की है दाश इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक तंजीम बन चुकी है अमरीकी सदर बराक ओबामा ये एतराफ़ भी कर चुके कि यह तंजीम अमरीका और मगरब की मशरक़ वस्ती में गलत पॉलिसियों के नतीजे में वजूद में आई है और अब यह तंजीम पेरिस और ब्रसल्स में हमलों में मुल्त होने के साथ साथ बंग्लादेश तक भी जा पहुंची है यानी अब इसका असर रसूख दुनिया भर में फैल रहा है और अब सवाल यहाँ पर यह है कि सोलह साल से जारी इस जंग से ना तो अफगान तालिबान की मजामत मुतासर हुई ना ही अलकायदा का वजूद खत्म हुआ तो फिर दाइश जो मुस्लिम नौजवानों को वर्गला कर तेज़ी से अपना असर रसूख कायम कर रही है तो फिर आखिर इसका मुकाबला कैसे किया जाए कैसे इस खत्ते से दाइश का खात्मा किया जाए इसमें इस पर भी आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में जफर हिलाली साहब मौजूद हैं बहुत शुक्रिया है जफर हिलाली साहब इस्लाम आबाद स्टूडियो से डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हमें जॉइन करेंगे इसके अलावा मुखल सियासतदानों को भी अपने लाइन टेलीफ़ोन लाइन पर लेंगे उन पर उन भी उनका तज् लेंगे ज़फ़र हिली साहब मैं आपसे शुरू करती हूँ ईद के बाद सियासी माहौल गर्म होने जा रहा है खान साहब कहते हैं कि अगर टी ऊर्ट्स पर कुछ ना हुआ तहरीक चलाएंगे मैं पूरी कौम को दावत देता हूँ वजी अजम साहब को वो जेल भिजवाएंगे अगर वो ये सारा मामला हल नहीं होता टी आर का मामला तो हल होने में कुछ नजर नहीं आ रहा वो तो अब हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा पूरी कौम को वो दावत दे रहे हैं दो में जिस कॉम ने उनका साथ दिया था ज्यादा बड़े अरसे तक उनका धरना जारी रहा जिस मकसद के लिए धरना दिया गया था वो मकसद पूरा नहीं हुआ तो क्या अब कौम इमरान खान को लब करेगी गुड क्वेश्चन Uh, शाजिया मेरे ख़्याल में ये आप याद रखें कि इमरान ख़ान साहब जो हैं उनको मैन man मैनेजमेंट के बारे में बहुत कम पता है उनको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ नहीं पता है उनको स्टेट क्राफ्ट के बारे में कुछ नहीं पता लिहाजा इसलिए कि एक्सपीरियंस नहीं है उनको मगर दो चीज़ें हैं जो इमरान खान के साहब के पास हैं और इसलिए वो ख़ुद समझते हैं मैं कामयाब हूँ एक वो ये है कि वो ईमानदार समझे जाते हैं और वाकई उनका जो रिकॉर्ड है वो ईमानदार रिकॉर्ड दूसरी बात ये है कि उनके पास करिज्मा है उनके पास पब्लिक अपील है सब लीडरों से ज़्यादा इमरान खान जो है ही वो एक अट्रैक्शन है और क्राउड्स आते हैं तो अब अगर उनका ख्याल ये है कि मेरे दो स्ट्रॉ पॉइंट्स से और कोई स्ट्रांग पॉइंट्स नहीं दो पॉइंट्स से क्या मैं इतने लोगों को सड़कों पर ला सकता लेकिन एक खास क्लास है एक हाँ, खास क्राउड है हाँ, जो हाँ, उनके एहतजाज में आता है जो उनके धरनों में आता है यस हां आप कह रही हैं है, क्राउड आप कहती हाँ, हैं है, वो जवान से लोग हाँ, जोश अपील टू द यूथ मैंने किसी और बासठ साल के आदमी को नहीं देखा है कि इतना यूथ को अपील करता है जैसे आप देखते हैं हुँ। और दूसरी बात है 75 फाइव परसेंट पाकिस्तानीज जो हैं अंडर द एज ऑफ 35 हैं हुँ। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा पावरफुल फैक्टर है हुँ। मगर क्या जब वो आएंगे उन्होंने जैसे आपने बिल्कुल बिल्कु सही कहा कि पीपीपी पी पी, वो चाहते हैं आए क्या पीपीपी पी पी आए आएगा कि नहीं और अगर आएगा टिकेगा कि नहीं? नहीं के जरदारी मुख तो इस 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 या नहीं देगी मगर मेरे ख्याल में कौम का मूड कुछ है आजकल ऐसे रेवोल्यूशन आ रहे हैं पैनामा के बारे में शाजिया कि कौम चाहती है कि इंसाफ मिले और जैसे आपने कहा टी ओ आर से तो पता नहीं पानामा लिखे

देखें शायद सबसे पहले तो एक तो सत्ताईसवीं की रात है तो सबको मुबारक हो बहुत बहुत और अल्लाह ताला सबकी इबादतें कबूल फरमाए मैं मुस्लि बात ये दूसरी बात ये कि आज आज सत्ताईसवीं की रात को पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था और ये हमारा एक तरह से योम आज़ादी भी है इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँ कि देखें आ, ये पनामा लीक्स और सारे मामलों बड़े सेकेंडरी हो गए हैं अब अब जो इशूज़ हैं वो काफ़ी आगे चले गए जैसे इस वक्त यहाँ इस्लाम में इस वक्त अमेरिकन सेनेटर जॉन केन मौजूद हैं उनका डेलीगेशन आया है वो मिला है अस्करी की आदत से यहाँ सियासी की आदत है नहीं कल वो गालिबा तारिक फातमी साहब से मिलेंगे या सरताज अजीज साहब से मिलेंगे लेकिन आ, असल बात उन्होंने जो करनी थी वो कर ली आ, ये ये जो पाना लीगस और सड़कों का माम देखें सड़कों पर तो मामला तय होने जा रहे हैं गालिबा लेकिन उसके साथ साथ अगर आप नोट करें तो अदारे भी हैं जैसे मिसाल के तौर पे एक बड़ा करेक्टर था सिंध का सिंध में चाइना कटेंगे शाजिर शम्मो और उसके अभी रेड वारंट्स निकल रहे हैं और कल आपने देखा कि पहले शर्मिला फारूकी साहबा का नाम आया अब सदीकुल फारूक साहब के ऊपर भी बात हो रही है कि क्या वो भी नैब के सजा उनको हुई थी या नहीं हुई थी ये सवालिया निशानियाँ उठना शुरू हो गए अदारे मुख्तलिफ हलकों में आ रहे हैं हरकत में आ रहे हैं और मैं आपको ये बात बताऊं शाजिया एक थोड़ा सा मैं टॉपिक से हट गया हूँ लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये भी जहन में रहे कि पीर के दिन यानी परसों कराची बदमनी केस की समात होने जा रही है कराची में जी। वो कराची बदमनी केस जिसके ऊपर कराची ऑपरेशन शुरू, शुरू हुआ था उसकी था। समात लग गई है पीर के रोज सुबह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और तीन जजेस वहां पहुंच गए नोटिस इशू हो गए रेंजर्स को चीफ सेक्रेटरी को आई जी पुलिस को वजीर दाखिला सिंध को इन सब को बुला लिया है और उसमें वो पूछ रहे हैं कि पहले हम जो ऑर्डर्स दे के गए थे उस पर कितना अमल दरामद हुआ तो इस वक्त वहां पे सिंध के अंदर खलबली मची हुई है ब्यूरोक्रेट्स में और सब में उसमें अरशद पप्पू केस को बुलवा लिया है उन्होंने उन्होंने जे आई टी साइन क्यों नहीं किए ये सारा सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड तलब कर लिए पीर के रोज अब इस पूरी सूरत हाल में जैसे जफर लाली साहब ने बात की इमरान खान साहब की या बाकी लोगों की एक तरफ तो ये माम ये देखें फौरी तौर पे धरने नहीं होने जा रहे तो आप ये जहन में रखें फौरी तौर पे कोई धरना नहीं यानी ऐसा नहीं हो रहा कि ईद के एक हफ्ते के बाद या चार दिन के बाद कोई ऐलान कर दे तारदी साहब के मैं धरना या देने जा रहा हूं बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है सड़कों के जरिए नहीं नहीं ईद के बाद सड़कों पर ईद के बाद और सड़कों के दरमियान एक और फेज भी है और वो फेज जो है वो अदालतों का और तलखी का और आप समझें कि उसमें उसमें तलखियां बढ़ेंगी बयान होंगे केसेस खुलेंगे इल्जाम एक दूसरे पे दिए जाएंगे जो अभी से आपको माहौल बनता नजर आ रहा है कुछ कुछ गिरफ्तारियां होंगी कराची में ई पे नाम डालेंगे पंजाब के अंदर मुख्य यानी सड़कों पर आने से पहले एक बेचैनी का फेज होगा फौरी तौर पर सड़कों पर कोई भी नहीं आ रहा ना ईद के चौथे रोज ना पांचवें रोज ना छठे रोज ना एक हफ्ते ईद के फौरन बाद सड़कों पर आने का ऐलान नहीं हो रहा यह मैं अपने जराये के वाले साहब को बता रहा हूं कुछ अर्से के बाद ये पहले तो मामला अदारों में इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो नामुकम्मल है और फैसला नहीं कर सकता कोई उस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लोगों से मेरी आज भी बात हुई और कल भी बात हुई वो लोग कह रहे हैं कि हमारे कानून में ऐसी गुंजाइश मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर मुकम्मल ना भी हो तो हम लोगों को डिसक्वालीफाई कर, कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये अदारे नैब एफ आई ए वजारत दाखिला

ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब हिराली साहब आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं साहब डॉक्टर साहब ये बताएं आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ कहा आपने कहा कि जरूरत नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के चार मेंबर्स जो इस वक्त नहीं हैं वो वो आ जाएं वो कॉन्स्टिट्यूट हो जाए विद फुल मेंबरशिप उसकी जरूरत नहीं है आप कह रहे हैं कि इस वक्त भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर डिस्कालीफाई कर सकता है क्या ये कोई कानून के तहत है कि ये एक ओपिनियन है इसलिए कि अगर एक ही आदमी किया तो आई एम सर्टन के एक अपील होगा उसके डिसीजन के तो फिर जो रेफरेंस दायर किए हैं पीपल्स पार्टी ने पीटीआई ने और पैड ने क्या इस पर भी फिर हेरिंग हो सकती है देखिए वो ये कह रहे हैं कि जब एक अदारा किसी आ, पेटिशन को या किसी रेफरेंस को वसूल कर सकता है उस वसूल करने की रखता है तो फिर उसके बाद उस पर फैसला भी कर सकता है बिल्कुल जिनसे मेरी बात हुई बड़े जिम्मेदार ऑफिसर है वो कहते हैं कि या तो ये होता कि वो रिसीव ही नहीं करते हैं। और कहते कि हमारा इलेक्शन कमीशन इस वक्त मुकम्मल नहीं है उन्होंने रिसीव कर लिया अब उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनली वो कहते हैं कि इसमें इलेक्शन कमीशन किसी वक्त खत्म नहीं हो सकता उसने हर वक्त चलना है वो एक अदारा है आ, वो काम करता रहता है उसमें लोग हों या ना हो उसके अंदर यानी खुदा ना खास अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे आ, आप ये देखें कि कोई इस वक्त अचानक कोई कुछ पेश आ जाए किसी अल्लाह ना करे तो इसको ये अनाउंसमेंट कौन करेगा इलेक्शन कमीशन कर देगा ना अनाउंसमेंट फलानी तारीख को फलाना आदमी मौजूद नहीं है और इसलिए तो चौबीस घंटे काम करता रहता है और हम पाबंद नहीं है इसमें इस इतने इस आड़ में क्यों रुके हुए हैं इलेक्शन कमीशन है रेफरेंस दायर किए मुकम्मल नहीं हो सकते और बहुत से मामला इलेक्शन कमीशन की ऐड में ये ये देखिए देखिए इसके ऊपर इसके ऊपर देखिए इसके ऊपर क्या इसके ऊपर मेरे ख्याल से और कोई पिटीशनज या बाकी मामला जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ कुछ लोग कह रहे हैं हम रजू करेंगे अगर आप इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शंस दें कि वो इसके ऊपर इस कानून के इस आर्टिकल के मुताबिक अगर इलेक्शन कमीशन ने रिसीव कर लिया तो रिसीव ना करते वो हाँ। रिसीव करने का मतलब ये है कि वो ये भी कर सकते हैं वो नहीं, वो कह सकते थे कि हम नहीं कर सकते इसको। रिसीव कर लिया, उन्होंने कह दिया कि गौर करते हैं, हैं अरकिन पूरे नहीं है तो उनकी जगह कायम लंबा चौड़ा हिसाब है कोशिश। अभी कुछ देर मेरा ख्याल है मामला लटकाने की कोशिश एक जो नुकता नजर है वो ये लटकाने की कोशिश दूसरा कह रहे हैं कि नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त नामुकम्मल तौर पर भी

लेकिन जो अपोजिशन है वो तो उन्हें जेल भेजने की तैयारी कर रही है खान साहब तो कहते हैं कि जब अगर टी का मामला हल ना हुआ तो, तो ऐसी तहरीक चलाएंगे कि को जेल भिजवा देंगे इसके लिए मुस्लिम लीग नून रहते हम हम हैं और अपोजिशन का, का काम अपोजिशन करना होता है का, का काम हुकूमत करना होता है अगर इमरान खान साहब ने मेरे अपने हिसाब से उन्होंने सही कदम उठाया था पीपल्स पार्टी ने भी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन पर हमारा मुकम्मल एतबार है और रिलीफ है और कमिटमेंट है तो जो भी मसाइल होते हैं वो क्यों कॉन्स्टिट्यूशन है पार्लियामेंट क्यों है जुडिशरी क्यों है इलेक्शन कमीशन इसीलिए है कि जहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है मेरी बात मैं कहता हूं मैं सच्चा हूं कोई और कहता है दूसरा आदमी सच्चा है तो उसको हल करने का हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया हुआ है इसी वजह से हम कहते हैं कि चार मार्शल जो तो लगे थे वो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं था और मिलिट्री इंटरवेंशन बिल्कुल गलत हुआ था तो जो फिर तो आप लोग अपोजिशन को सड़कों पर निकलने का मौका क्यों दे रहे हैं ट्यूआर का मसला हल तो कर, कर लेते हैं पार्लियामेंट तो का मसला पार्लियामेंट में हल करते हैं आप लोग हम तो कह रहे हैं तो मैं तो कहा कि उन्होंने अच्छा इकदाम उठाया है कि उन्होंने जो उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरीके का प्रोवाइडेड है कि इलेक्शन कमीशन में जाके मसले को उन्होंने कहा है कि जी ना अहदी का मसला उन्होंने उठाया है बिल्कुल सही किया है हम तो हम हम यही तो कह रहे हैं और अगर वहां वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं और मैं एक जरूर कहूंगा कि आज आप सब लोग एक बाबर सत्तार एक बहुत ही क्रिडिबल मेरा ख्याल है लीगल इंसान है कोई उनकी पॉलिटिकल लीनिंग नहीं है मुस्लिम लीग नवाज की भी भरपूर मुखालफत करते हैं आज अगर आप उनका आर्टिकल पढ़ें और उसमें जुडिशरी से मुतालिक उनके कमेंट्स पढ़ें कि हम हम कितने आउटस्टैंडिंग जिस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के जो बने उस उनके बारे में या सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं अगर हमने अगर उन पर भरोसा नहीं करना अगर सड़कों पर मार धाड़ करनी है तो चले वो गिरा भी लेंगे तो देखिए मामला तो मामला तो तब खराब हुआ ना जब आप लोगों के टीओ को चीफ जस्टिस ने कहा कि तो उस आर तो बने ही नहीं जिस तरह बनने चाहिए थे तो इंसाफ पर मबनी इंसाफ का तकाजा ही नहीं है किस पर तहकीत की जाए तो मामला तो आप लोगों के टीओ से शुरू हुआ था जब तभी तो कमेटी आ, बनी थी कि आप लोगों के ट्यूआर उस तरह के थे नहीं जिन पर तहकीत होती अगर आप लोग उस तरह के टीओ बनाकर देख देते जो इंसाफ पर मबनी होते जो अक्रॉस बोर्ड सब का करते तो शायद ये कमेटियां ना बनती शायद ये नौबल सड़कों तक ना आती मामला तो आप लोगों की वजह से जुबैर साहब शुरू हुआ नहीं हमारी वजह से नहीं शुरू हुआ हमने टी आर बना के भेजे तो चीफ जस्टिस ने ऐतराज उठाया उन एतराज को खत्म करते आप लोग बिल्कुल सही उन्होंने ऐतराज़ उठाया हमने तो नहीं कहा कि उन्होंने ऐतराज क्यों गलत उठाया हमने कहा इसको हम ठीक है उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक ठीक करते हैं उसमें सिर्फ एक नुकता है जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है मेरा ख्याल है वो नुकता ये है कि हम ये कहते हैं कि और एक चीज का बिल्कुल लिहाज करना चाहिए कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है तो पॉलिटिक्स इसमें बहुत ज्यादा होती है कि वो हम ये कहते हैं कि आप पनामा से चूज कर रहे हैं तो पनामा में जिनके नाम है वो आप डाउनलोड कर लें और स्टार्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर की फैमिली से और अगर उनके बच्चों के इंटरगेशन के दरमियान दौरान ये होता है कि जी ये इनके ताने बाने मिलते हैं प्राइम मिनिस्टर तक तो जरूर वो तो उनके जजेस का है ना इन्हें सा कि जजेस क्या करना चाहते हैं ये पहली जजमेंट दे देते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर आए पर दुनिया की तारीख में, आज ने कहा तो था, तो था है, है। प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है लेकिन मरियम नवाज के वालिद साहब उनकी हैसियत से तो उनका नाम होगा ना हुसैन नवाज उनके वालिद साहब की हैसियत से तो उनका नाम होगा ना ऐसे नहीं होता ना पहले आप मरियम नवाज को बुला दें मरियम आपको क्या डर है भाई जज पर आपका भरोसा है या नहीं है आप मरियम नवाज को बता दें वो कहते है तो हैं कि आप को लोगों को क्या डर है अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ ने, नहीं, नहीं आप होता है पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं आपके घर में आके अभी वो कोई भी आ जाए और कहे कि जी हमने छानबीन करनी तो आप कहेंगे किस कि सिलसिले में कर रहे हैं भाई यू कांट अलाउ डू अलाउ अगर छुपाने के लिए नहीं तो घर खोलते हैं किसी दुनिया में घर ऐसे होता है ऐसे नहीं होता है यार पॉलिटिकल पार्टी के छह महीने तक प्राइम मिनिस्टर डॉक में खड़े रहे तो आप ये वो जो रोज के रोज वो होगा तमाशा लगेगा शाम को खबरें बनेगी प्राइम मिनिस्टर चलिए प्राइम मिनिस्टर साहब वापस आ रहे हैं ऑपोजिशन सड़कों पर निकलने की तैयारी करे क्या आप लोग एक बार फिर से ऑपोजिशन को दावत देंगे की आए हमारे साथ मिलकर बैठे मुजाक करें एक बार फिर तो से हम लोग ट्यू मिलकर बनाते हैं भाई या तो एक तरफ इमरान खान और पीपल्स पार्टी एक तरफ डिसाइड करें कि इलेक्शन कमीशन गए क्यों तो गए थे तो साथ में अगर आप इलेक्शन कमीशन के जजेस पर या सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर बोल के गन पॉइंट पर अगर अपना फैसला अपनी तरफ लेके जाना चाहते हैं कि जी पर। दोनों एक साथ कैसे हो सकती हैं आप इलेक्शन कमीशन में खुद गए आपकी अपनी मर्जी तो, तो आने देना ये क्या इमरान खान को नहीं पता था लतीफ खोसा को नहीं पता था ये तो उनको भी पता था और इलेक्शन बात करूंगा करें जी जी जीबैर एक तो ये जो इलेक्शन तो अंदर अंदर कमीशन ने उसमें तो सिर्फ, सिर्फ। हफ्ता दस दिन शायद रह गए उसके अंदर आप कितने दिन है उसके अंदर नहीं नहीं हफ्ता दस दिन नहीं गए तकरीबन बीस दिन हुए जून दस के बाद से वो जून मेरा ख्याल बीस इक्कीस दिन हुए तीन हफ्ते आप सही कह रहे हैं तो वो हैं हम देखिए ना हम हर चीज पर पहले जितनी जिम्मेदारी और डॉक्टर साहब जितनी जिम्मेदारी हुकूमत पर है उन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने की उतनी ओपोजिशन की भी है लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द ओपोजिशन ने मिलके नाम आ, एग्री करने हम नाम उनको दे चुके हैं आज से दो हफ्ते पहले मैं आपसे मैं आपसे दुबे साहब मैं आपसे एक का, एक कानूनी सवाल करूं हकुमत पाबंद है कि इलेक्शन कमीशन को कंप्लीट करे पैंतालीस दिनों में अगर हकुमत नहीं कर पाती तो क्या तो हकुमत आ, किसी आईनी मामले पे मुरत इल्जाम ठहराई जा सकती है नाम उन्होंने देने लेकिन जिम्मेदारी आपकी है कि आपने बनाना इलेक्शन कमीशन नहीं डॉक्टर साहब ऐसे नहीं है ऐसे है कि जो कानूनी तरम आई थी उसके तहत जितनी ऐसी है अपॉइंटमेंट mm -hmm. हैं चाहे है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की है केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की है एक मैकेनिज्म दिया हुआ है जिसमें ये नहीं लिखा हुआ कि हुकूमत की रिस्पांसिबिलिटी है वो उसमें लिखा ही है कि लीडर ऑफ द हाउस रिप्रेजेंटिंग ऑल द पार्टीज सिटिंग ऑन द ट्रेजरी बेंचिस एंड लीडर ऑफ द हाउस सिटिंग रिप्रेजेंटिंग ऑल द पार्टीज इन द अपोजिशन मिसाल के तौर पर तहरीक इंसाफ है ये दो दूसरी पार्टीज हैं उनके साथ मिल के आपका एक वो होगा मैकेजमी अगर आप एग्री अगर नहीं एग्री करते तो कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल तो प्रोवाइडेड है उसका आ, आ, उसको किस तरह से मुकम्मल किया जाएगा ये नहीं कानून में कोई वो ओपन चीज नहीं है कि अगर वो पैंतालीस दिन में नहीं मेरा पॉइंट मेरा पॉइंट ये भी है मैं एक सिर्फ एक बात हाँ। एक बात मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर फर्ज करें कोई रुकने पार्लियामेंट इस वक्त कत्ल कर दे कोई बड़ा जुर्म कर दे और उसको डिसक्वालीफाई करना हो तो इलेक्शन उसको कमीशनिफाई नहीं करेगा उसे कहेगा तुम बैठे रहो अगले पैंतालीस दिन तक तुम काते लो या तुम जो भी तुमने मर्डर किया और तुम बैठे रहो मुकम्मल नहीं है तुम्हें डिस्कालीफाई नहीं कर सकते क्या ये पॉसिबल दौक्षर, है डॉक्टर साहब आप एक तो मेरे से तो इतनी कानूनी तरजीदगी पूछ रहे बट मेरी अंडरस्टैंडिंग है पहले सबसे पहले स्पीकर मूव करता है अगर कोई भी मेंबर का इस किस्म का हो तो स्पीकर मूव करता है इलेक्शन कमीशन को तो फर्स्ट लाइन तो होती है स्पीकर नहीं। उसके जी आ रहा हूँ खुदा ना खासा स्पीकर का तर करते फिर क्या होगा अल्लाह ना करे या साधे सब अच्छे आदमी इलेक्शन कमीशन तो स्पीकर के ऊपर भी है ना जी 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 बिल्कुल सही बात है आप एक तो वो मेरे पास उसका नॉट तो, 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 ई वुड इमेजिन की वो ये नहीं है की उसकी रुकियत हो जाती मैं स्पीकर का हवाला इसलिए दे रहा था कि स्पीकर एक दफा कर चुका होगा इलेक्शन कमीशन ने उसको रिकनफर्म करना है वॉट जो भी उसको प्रोवाइड किया होगा बट मैं गलत तो भी हो सकता हूँ इसमें ठीक है।, है बहुत शुक्रिया ठीक है, है, है बहुत बहुत शुक्रिया Mechanism, इसका मतलब इलेक्शन कमीशन का है ना कोई जो कंप्लीट हुए बगैर भी वो डिस्कालीफाई करना पड़ेगा ना एक कातिल कैसे रह सकता है मेरा ये सवाल था सिर्फ जी। ये हम किसी लॉय कहा आपने तो खुद कहा कर सकते, कर सकते हैं आपने कहा है आप आप पूछ रहे हैं कैसे कर सकते हैं जी कि वो डिस्कवालीफाई कर सकते हैं ठीक है मुझे ब्रेक लेनी है प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ ब्रेक के बाद खुशेद ज़फ़र अल साहब अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई हर मामले पर तकरीबन साथ नजर आ रहे हैं चाहे वो टी आर की कमेटी का मामला हो या इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करने का मामला तो क्या ये मामला इन दोनों पार्टियों को मीन इमरान खान को और बिलावल को कंटेनर तक एक कंटेनर तक भी पहुँचा सकते हैं मेरे ख्याल ये है कि अगर ये वाकई सिंसियर हैं कि वो चाहते हैं कि इंसाफ मिले वो चाहते हैं और वो समझते हैं जैसे मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन कमीशन इनको इंसाफ देर से देगी और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के पास अगर वो जाएं आफ्टर द इलेक्शन कमीशन तो शायद सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई हमने तुम्हें टी ओ आर कहने की कहने का कहा था वो बनाओ तुमने अभी तक नहीं बनाया हुँ, हुँ। तो मेरे ख्याल में इसको इस ये जो लंबा प्रोसीजर है इसको शॉर्ट कट करने के लिए इमरान खान और इस वक्त अब तक पी 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 चाहते हैं कि लोगों को ले आए सड़क पर और प्रेशर डालें इस्टिशमेंट पे लोगों को पब्लिक को सोसाइटी पे कि इसका फैसला जल्दी हो अच्छा अब मैं जानना यह चाहता हूं कि मिसाल के तौर पे एक लाख लोग आ गए और लाहौर में ये ये बाय द वे डेमोस्ट्रेशन ज्यादातर पंजाब में होंगे पंजाब में होंगे अच्छा और लाहौर का यू नो माने के लाइफ केम टू स्टिल शॉपिंग वॉपिंग सब डिसरप्शन हो जाए तो क्या इस वक्त ये इमाम सोचते हैं कि फिर इस्टैब्लिशमेंट इंटरवीन करेगा और या दो चीज़ें कर सकते हैं या वो कह सकते हैं कि भाई ये हल्ला गुल्ला बहुत हो गया है इसको ख़त्म करो और एक ही तरीक़ा ये है कि इलेक्शन कर करो कर दूसरा तरीका ये है कि भाई क्या कहते हैं नेशनल गवर्नमेंट बना दो आप लोगों में कोई अग्रीमेंट नहीं हो सकता है लिहाजा चीफ जस्टिस के थ्रू ऐसी कोई बात तो मेरा अपना ख्याल है ये भी उनके मद्देन दिमाग में है और आ, और फिर देखिए वो क्या कहते हैं ना फौज के पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव है यू होल्ड द रिंग माने अच्छा लड़ने दो जस्टिस दे चुके हैं हैं कि हम को सपोर्ट कर रहे तो नहीं कर रहे हैं कि फौरन आ जाए वो जाएं। कुछ देर के बाद जब होगा लाइफ कम्स टू स्टैंड स्टिल तो वो कहेंगे यार तुम लोगों से नहीं हो सकता तो शायद ये वक्त है शायद सुप्रीम कोर्ट खुद आ जाए ये सब सिनारी जो है मेरे ख्याल में ये से पहले नहीं जी इलेक्शन तो नहीं होंगे अच्छा। अगर इस हकूमत ने पार्लियामेंट में रहना है अगर इन्होंने तो इन्होंने सियासी तौर पे मसायल को हल करना है खारजा पॉलिसी से लेके गवर्नेंस तक और करप्शन तक अगर ये पार्लियामेंट चली गई तो इलेक्शन तो नहीं होने वाले क्योंकि आप मुझे ये बताए ना किस लोगों तो तो क्या होगा जी नहीं इलेक्शन कैसे होंगे इन हालात में मुझे बताए ना कैसे इलेक्शन होंगे यानी सिंध के अंदर एम और पीपुल्स पार्टी कैटे घर बनाएगी दोबारा मरकज में खुर्शीद शाह और नवाज शरीफ साहब के बनाएंगे फिर वो एक्सरसाइज होगी दोबारा और बासठ तिरसठ और चोरी चकारी और जितना तरह इलेक्शन खरीदे गए थे 2013 में और ना मर्दम शुमारी है ना कोई सर पैर ना कोई एहतसाब हुआ है किसी का फिर दोबारा सारे आके उसी तरह से इलेक्शन को जैसे दो हजार ऐसा तो नहीं है, है ऐसा नहीं होने जा रहा लोग इलेक्शन खरीदने नहीं लोग जमूरीत चाह रहे हैं मतलब वो 2013 या 2008 का इलेक्शन या उससे पहले जो इलेक्शन खरीदे गए पूरे के पूरे मेर मुझे और हिलाली साहब को आप जरा दें चंद अरब रुपए हम पूरी की पूरी असेंबली खरीद के दे, दे देते हैं आपको हमें पता है कहां से चांडियो जीतेंगे कहां से मक्सी जीतेंगे कहां से जतोई जीतेंगे पूरी की पूरी, पूरी असेंबली आपकी बिक जाती है पूरे सारे के डॉक्टर डॉक्टर साहब एक सवाल पूछने दें क्या आप समझते हैं लोगों को इलेक्शन चाहिए कि गुड गवर्नेंस चाहिए लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए कि गुड गवर्नेंस क्लीन गवर्नमेंट चाहिए क्या ख्याल है आपका नहीं देखें हिलाली साहब डेमोक्रेसी का तो आइडियली मकसद ही गुड गवर्नेंस गुण होता है मतलब लोगों को आचार डालने लोग खिलाफत ले लोग बादशाहत ले लोग गाऊ माता को पूजें बात तो ये कोई सिस्टम कोई भी सिस्टम हो उसमें बुनियाद तो लोगों की होती है कि ये सिस्टम हमें अच्छा डिलीवर कर सकता है ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर सकता नहीं। ये हमारी जिंदगी को सुकून दे सकता है बिजली रोटी खाना हमारी जान को तहफ ये सिस्टम दे सकता है ये नहीं वहीं से फिर सिस्टम ग्रो करते हैं वहीं से नजरियात आते हैं सियासत के अंदर अब बात यह है कि जमूरीत को इन्होंने ऐसा बेड़ा रखी है यानी चोरी चकारी झूठ फ्रॉड इसका नाम अगर ये मैंने देखे हम ये बात हिला पहले भी कर चुके हैं ये बादशाहत भी नहीं है ये मुझे नहीं पता इसको इस सिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे आप hmm. क्योंकि बादशाह में भी एक मैं पहले बात कर चुका हूं एक ऑफिशियल वाली है ये कुछ अजीब गरीब सिस्टम है ना ये जमहूरियत है ना ये बादशाहत है ना ये डिक्टेटरशिप है, है ना ये मार्शल ये अजीब और गरीब सिस्टम है hmm. और ये जैसे कहते हैं ना कि ये, ये ऐसा बच्चा नहीं आ रही तजिया है की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पानामा लीग पर इसलिए भरपूर एहतजाज कर रही है की इनकी अपनी करप्शन के स्कैंडल जो खुल रहे हैं तो है उन है पर पर्दा डाल सके उन पर आवाज ना उठाई जा सके उनसे ये छुप सके देखिये पीपल्स पार्टी के दो दो पीप, पीपल्स पार्टी है ना एक तो पीपल्स पार्टी सिंध है जो कि खुर्शीशाहब है जो किसी सूरत नहीं साथ चाहते कि वो तो मैंने पहली कहा था कि नाहूत किस तरह नाइल करार दे सकती है दूसरी हकूमत को वो तो खुद उनके सर पे नाहलीत की तलवार टक रही है और दूसरी है पंजाब पीपल्स पार्टी पंजाब पीपल्स पार्टी चाहती है कि जुगलर जुगलर वेन के पीछे ये जुगलर के पीछे पीछे ये जो ऊपर जाए और चबा जाए नवाज शरीफ साहब को इसलिए कि अगर वो नहीं आते तो फिर तहरीक इंसाफ उनकी जगह लेने जा रही है अगले इलेक्शन में उनको यकीन है इस बात का एज एपोजिशन पार्टी असल जो मामला है वो है जरदारी साहब का अब देखिए सेनेटर जॉन में आ गए दूसरे लोग आए जरदारी साहब की वहां मुलाकात हुई मुलाकात में जरदारी साहब ने बात की पाकिस्तान में सिस्टम चलना चाहिए जमहूरीत चलनी चाहिए अस्करी आ रही है वगैरह वगैरह यहाँ जो खबरें इस्लामाबाद में है कि वो सैनिटर्स ने कोई बात ही नहीं की वो पाकिफान रीजन के बाद हो गई और अल्लाह खैर सलाह तो बात देखें यह है और अब हिलरी क्लिंटन से मुलाकात गालिबा जरदारी साहब की होती है नहीं होती अभी तो खबरें आ रही है कि गालिबा नहीं होगी मुलाकात बिलावल यहाँ से तीन तारीख लंदन चले जाए मुलाने से डॉक्टर साहब सुना ये है मुझे नहीं पता सुना ये इनकार कर हाँ, दिया। वो मेरे पास है स्टोरी, वो पूछेंगे, मैं जो बात कह रहा हूँ जरदारी साहब को इस वक्त ये भी प्रॉब्लम है ना कि यार ऐसा तो नहीं कहीं के ये वाकई चेयरमैन बन जाए यार थोड़ी दिनों के लिए मैंने काम दिया था कि तू जाके हीरो बन तो इसको मैं वापस बुला के पूछूंगा

मतलब वो ये तो एक्चुअली अपने आप को चेयरमैन समझने लग तो गया है बिलावल और पॉपुलर प्रोग्राम हो वक्त है लोगों में एक ब्रेक करने के बाद वापस आते हैं हमारे साथ ब्रेक के बाद खुश आमदे दाइश के इस खित्ते में बढ़ते हुए हमले दाइश के खदशात दाइश के खतराक डॉक्टर हसन अस्करी साहब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब दाइश के हम यूरोप और के वस्ता के अलावा जुनूबी एशिया में फैल चुके हैं कल जो ढाका के रेस्टोरेंट में हमला हुआ इस बड़ी आ, मिसाल है इसकी तंजीम है है जिसने अपनी रियासत भी बनाई दाइश इस खत्ते के लिए कितना बड़ा खतरा है और इससे निमटना कैसे मुमकिन हो सकता है देखिए दाइश एक इंत पसंद तंजीम है जाहिर है कि इस खत्ते के जो हुकूमतें हैं जो निज़ाम चल रहे हैं उन सबको वो चैलेंज करते हैं लेकिन एक चीज का जहन में रखना जरूरी है कि ये जो आप कार्रवाइयां मुख्तलिफ मुल्कों में देख रहे हैं तुर्की है बांग्लादेश है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक मरकजी जगह पर बैठा हुआ है वहां से वो ऑर्डर करता है बांग्लादेश में हो जाता है फिर वो ऑर्डर करता है वो तुर्की में हो जाता है बुनियादी चीज ये है कि नजरिए के लिहाज से सोच के लिहाज से मकासद के लिहाज से तो ये सब लोग एक है लेकिन ये तंजीमें जो हैं वो हर मुल्क के अपने अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट के हवाले से डेवलप कर रही हैं बांग्लादेश के अंदर जो वाक देख रहे हैं वो बुनियादी तौर पर इंडिजिनस लोकल तंजीमें हैं जो फलसफा जरूर शेयर करती हैं तुर्की के अंदर फलसफा शेयर होता है लेकिन उनका ताल्लुक तुर्की की सियासत से है लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये दहशत गर्दी की तंजीमें बैन अवी हैसियत तो जरूर रखती हैं लेकिन इनका हल जो है मुख्तल ममालिक अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में इशूज को एड्रेस करने से आप इनके हल को निकाल सके आप समझते हैं पाकिस्तान में भी दाइश के खतरा मौजूद है क्योंकि हमारे हुक्मरान मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि पाकिस्तान में हमारे मुल्क में हमारी सरजमीन पर दाइश जैसी किसी तंजीम का वजूद भी है देखिए जो दाइश का फलसफा है वो तो पाकिस्तान में पहले से मौजूद है और बहुत सीमें जो हैं वो अब दाइश का लेबल इस्तेमाल करके उसी अंदाज को अपनाने की कोशिश कर रही हैं जो पाकिस्तान वाले बाज से लोग कहते हैं दाइश नहीं है बुनियादी तौर पर वो उनके जहन में कायदा अलकायदा का तस्वुर है क्योंकि अलकायदा की जो तो इस इलाके में मौजूदगी थी उनकी टॉप लीडरशिप पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मौजूद रही है बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारा डौक करके आप कुछ मैं ये कहना चाहता हूँ हम तो प्रिपेयर ही नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए जैसे आपने तो कहा, कहा था इंटीरियर तो बिल्कुल, बिल्कुल कहते हैं दाइश है नहीं आईबी कहती है दाइश है दाइश बिल्कुल है इस मुल्क में मैं आपको बता सकता हूँ दाइश का लीडर कौन है वो है ये अचक एक है अब नहीं जी अबू बकर अलबादी हाफिज सईद अचकजाई पहले से वो टी टी पी में होता था अब उसको वो खुरासान वो कहते हैं खुरासान चैप्टर का लीडर है वो हुँ हुँ हु। और एक शूरा है जिसमें बारह लोग मेंबर्स हैं उनमें से नौ जो हैं वो हैं पश्तून तो ये कहना कि ये है ही नहीं ये गलत बात है ये बिल्कुल है मलिक इसाक फॉर एग्जाम्पल किसके साथ बात करना चाहता था वो क्या चाहता था मरने के पहले वो ये चाहता था कि मुझे आइसिस फ्रेंचाइज करें और मैं पाकिस्तान में उनका उनका मेंबर तो आइसिस है अब बात असल ये है कि इनको निपटना कैसे और कौन और कैसे ये जो बातें इसको हम डिस्कस कर सकते हैं मगर मेरे ख्याल में ये कहना कि आईसिस इधर है ही नहीं है ये गलत बात है गफूरा वो गोद था सने ूरा का मिसाल के तौर पर वो क्या आईबी नाम तारीख के था उसका? नौजवान थे वो लोग हाँ वो आई बी ए आई आई बी ए के पढ़े थे पड़े नौजवान और उसका इंस्परेशन जो था आईसिस था आईसिस मेरे ख्याल में वो हैं इधर है बांग्लादेश में हैं सब जगह हैं अब इनको निपटना कैसे डॉक्टर साहब दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पंद्रह सालों से जारी है जिसमें ना तो अफगान तालिबान की मजामत खत्म हुई ना ही अलकायदा का वजूद खत्म हुआ तो कई शिदत पसंदी के खिलाफ ये जो जंग लड़ी जा रही है क्या ये मजीद शदत पसंदी को हवा नहीं दे रही है जिससे दाइश की तनजीमें बन रही हैं ओबामा पहले ही ओबामा इंतज़ामिया जो है पहले ही दाइश को इराक़ में मौजूद गलत पॉलिसियों का नतीजा करार दे चुके हैं कि इराक में जो किया गया दाइश उसी का नतीजा है शाहजिए आपसे कभी तफसीली मेरे ख्याल से नशस्त करूँगा मैं दाइश के ऊपर क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट रहा है दाइश और मिडल ईस्ट और सारा और उसमें फिर मैं डिटेल में बात करूँगा मैं सिर्फ दो तीन बातें आपसे कहूँ पहली बात तो ये है कि ये जो दाइश है ये दाइश अब नहीं है इसका नाम ही दाइश नहीं रहा ये दौलत तो इस्लामिया अपने को कहते हैं दाइश उस वक्त कहते थे कि जब तक दौलत यानी दा यानी दौलत तो इस्लामिया और शाम ये मतलब है दाइश का अभी दाइश नहीं है इसका नाम है दौलत तो इस्लामिया क्योंकि अपने आप को ये कहते हैं कि हम नॉर्दर्न अफ्रीका में भी हैं हम यूरोप के अंदर भी अपने आप को खोल रहे हैं हम अब जनूबी एशिया में भी खोल रहे हैं। तो फिर दाइश का नाम ये अपने साथ अब इस्तेमाल नहीं करते लेकिन बहरहाल पुराना नाम आई एस आई एस इनका और इस्लामिक स्टेट कहते हैं अब ये यानी वो नाम चल रहा है दाइश और आई एस आई एस एक बात दूसरी बात यह कि जो बंग्लादेश में जो कुछ हुआ एक तो ये कि बहुत हमदर्दियाँ बंग्लादेश के अवाम के साथ वहाँ के जो जिस तरह उन्होंने कल फाइट किया लेकिन बांग्लादेश के पैटर्न को जरा किसी और अंदाज में देखें वहां पर सबसे ज्यादा जो टारगेट हुए लोग वो हुए इटालियंस और जैपनीज और वहां पर जो बदतरीन बात हमने ये देखी कि जब ये होस्टेज ड्रामा चल रहा था होस्टेज बनाया हुआ था तो वो जिन लोगों को उन्होंने मारा उनसे पहले का उसमें इंडियंस भी हैं उसके अंदर जो लोग वहां मारे गए बांग्लादेश के लोग भी हैं सबसे ताजियत उन्होंने कहा कि कुरान शरीफ पढ़ो और जिन्होंने अब जैपनीज है इटालियन है वो कैसे कुरान शरीफ कुरान शरीफ नहीं पढ़ा था उनको वहां पर उन्होंने कतल कर दिया ये ये जो फिना है इसका ताल्लुक अबू बकर बगदादी से नहीं है अबू बकर बगदादी एक जगह बैठा है वो अबू बकर बगदादी से पहले अबू मुसाब जरकावी जब वहाँ पे 2005 2006 में बल्कि 1999 से स्टार्ट करी तब से ये दाइश का फिनमिना इस्लामिक स्टेट का आया था और एक अबू उमर बगदादी होता था पहले अच्छा बात सारी ये है कि ये वहाँ पर वहाँ पे इनका कोई कंट्रोल नहीं है ये वो लोग हैं जो इंस्पायर होते हैं मुख्तलिफ हवालों से और ये इनका ख्याल और जैसे ही ये कोई वाक्य होता है तो एक ऐसा नेटवर्क बना कि फौरन वहां जो मरकजी वेबसाइट है दाइश की वो इनको ऑन कर लेती है लेकिन ये इन्होंने कोई बैत नहीं की हुई ये जो लोग घुसे थे छह लोग ये जितने भी थे इन्होंने कोई बैत नहीं की जाके अबू बकर बगदादी के हाथ के ऊपर ना ही अबू बकर बगदादी ने ऐलान किया है कि यहां पर मैं फलाने आदमी को कुछ लोगों ने तो की है जैसे आपको पता है नाइजीरिया के अंदर कुछ ग्रुप्स ऑफिशियली उन्होंने एफ, कर लिया अपने आप को लेकिन यहां भी तक सूरत की बांग्लादेश की ये का जो इलाका है जैसे बात कर रहे थे साहब ये का इलाका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि खुरासा के अंदर पाकिस्तान का हिस्सा काम आता है अफगानिस्तान और आजरबाइजान और ईरान और इराक वो वो और वो कदीम खुरासा है उसके बाद उस पर भी कभी मैं बात करूंगा उसके बाद एक और खुरासा भी आया था तारीख में बात यह है कि सेंट्रल कंट्रोल है नहीं ये मिलिटेंट्स हैं एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से मुख्तलिफ और ये चाहते हैं कि अपने आप को जैसे एक जमाने में वो एक फ्रेंचाइज होती थी अलकायदा अल एक जमाने में फ्रेंचाइज होती थी फ्रेंचाइज मैं लफ इस्तेमाल कर रहा हूं इस तरह फ्रेंचाइज है इस वक्त दाइश यानी कि आप कोई भी किसी को पर्ची भेजें भत्ते की या किसी को अगवा कर लें कुछ भी हुँ. करें और कहें कि मैं दाइश का हूं तो दाइश एक बड़ी मजबूत लोग डर जाएंगे डॉक्टर में आता है कि तालिबान के खिलाफ अभी जंग अभी खत्म नहीं हुई उनके खिलाफ जंग जारी है तो दाइश जैसी तंजीम से निमटना कितना बड़ा चैलेंज है इसके बाद फिर नहीं देखिये तालिबान बिल्कुल अलग है तालिबान के अंदर आप ये जहन में रखें के तालिबान अलकायदा और दाइश अलग तंजीम है हैं, लेकिन इनका मकसद गर्दी है ना? है मकसद तो ही है दहशतगर्दी नहीं नहीं मैं मैं आपको थोड़ी 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 सी थो बात कर लू कर जो दौलत इस्लामिया है वो इन्हें? पूरी दुनिया में अपना रोल चाहती है तालिबान पूरी दुनिया में रोल नहीं चाहते थे ये बज़ेन में रखे मुला मोहम्मद उमर अफगानिस्तान इट और वो कहते थे कि हमारी स्टेट को रिक्नाइज करो इनका फिनोमिना ये एक ग्लोबल जिहाद्लोबल जिहाद की बात होती है एक लोकल बात होती है इसी तरह उसामा मिल लादिन ने कभी यह नहीं कहा कि मैं खलीफा हूं उसने एक तंजीम बनाई तंजीम बना के उसका सरबरा बन गया जैसे सी ओ होता है और सीओ होने के बाद उसने मुला उमर को अमीर मान लिया वहां जिसका वो मेहमान था लेकिन अबू बघे बगदादी जो है वो कहता है कि मैं हाशमी खानदान से हूं और मेरे हाथ पे बैत करो और जितने मुसलमान लोग भी मेरे हाथ पे बैत नहीं करेंगे वो काफिर होंगे, होंगे। यानी बड़ा खतरनाक ये मुसलमान हुकूमतें देखें जी तालिबान को मान लिया था यूएई ने सऊदी अरब ने पाकिस्तान ने लेकिन जो अबू बकर बता है वो कहता है कि जो हुकूमतें मौजूद हैं वो इनलीगल हैं मैं उनको नहीं मानता मैं यूनाइटेड नेशंस को भी नहीं मानता ये एक बड़ा खौफनाक फिनोमिना है और बांग्लादेश की मैं आपको एक बात बता दूं बांग्लादेश में पिछले कई सालों से मिलिटेंसी बढ़ रही है वहां पे इंतहा पसंदी बढ़ रही है ये सोच बढ़ रही है वहां पर कई सालों से अब वहां पर किसी ग्रुप ने अगर आपने आपको एफिलियट कर लिया है जी डॉक्टर साहब कहने दुक्षाँ की दुक्षाँ बात है कि वो अंग्रेजी में एक मुहावरा है रोज़ बाय एनी नेम इज़ स्टिल अ रोज़ दफा करें इनका नाम क्या है ये, ये है वो है दफर जरदारी जर्दा, कह रहा था वो क्या जरकावी और ये वो क्या उनका टेक्निकली क्या उनका डिफरेंस है कहने की बात यह है हमारी काउंटर नैरेटिव क्या है हमारा क्या खिस्सा है हम इनको कैसे मीट कर रहे हैं क्या हम इनको क्या कह रहे हैं अपने लोगों को कि इनके पास मत जाओ इनकी बात ना सुनो क्या इनकी जो ट्रेनिंग और सेंचुरीज हैं कुछ मदरसा में क्या हम क्या उनके हो? पीछे जा बिल्कुल, रहे बिल्कुल हैं बेटर पुलिसिंग है विजिलेंस है एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैं ये हमें सोचना चाहिए दफा करें इन लोगों को क्या ख्याल है, है। बिल्कुल ठीक है बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम का गया बहुत शुक्रिया जफे साहब आपका नाजिन प्रोग्राम की हमें फीडबैक नाइट एडिशन से शाजा जिशान को इजाजत दीजिए आपसे मुलाकात होगी कल अल्लाह हाफ़िज